गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वेरी वेरी न्यू व्लॉग जी। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा और उम्मीद करता हूँ आपका दिन तो अच्छा गुजर ही रहा होगा और नहीं गुजरा तो गुजारने की कोशिश करें जी और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें जी। बस कीन बंदा थोड़ा सा ख्याल कर लें बस जी। अभी फिलहाल उठे थे, नाश्ता नुश्ता किया था, अभी नाश्ता करके बैठे ही थे कि भाई साहब छोड़े पान कहते हैं गोली। वेलकम टू ऑल, वेलकम। वेयर आर यू गोइंग? गोइंग यस बाहर बाहर। हाँ बैठे थे तो अम्मी आई, अम्मी कहती हैं छोटे पान कह रहे हैं जी बीच में चलते हैं जी। अचानक ही उनका मूड बन गया जी सुबह सुबह बीच में जाने का, तो भाई मेरी भी कह रही काफ़ी अर्से से काफ़ी टाइम से कह रही थी बीच में चलते हैं बीच में चलते हैं, कह रही थी इवनिंग में चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार आज सुबह सुबह ही चलते हैं, सुबह जाने का मला नहीं पता, तो अभी कोई पता नहीं है कि किस बीच जाना है, बस तैयार हो रहे हैं और आराम शाम से मैंने कपड़े शपड़े पहन लिए, कच्चे कुच्छे डाल दिए हैं, अब बच्चे भी तैयार हो गए हुए हैं बीच के लिए, तो बस ये अभी चलते हैं और जाके थोड़ा सा इंजॉय करते हैं और आपको भी बीच दिखाते हैं। फिलहाल बस उतनी देर तक आप सारे जितने भी हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जाके बेल आइकन दबा दें अभी अभी। इसके अलावा मतलब बस और नहीं मैं सुनना चाहता कुछ भी, बस कोई कोई बहाने नहीं चलने, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अभी उसको, मेरी शेयर कर दो भाई ताकि और लोग भी देखें। What is this? White sabicha. White sabicha? ये भाई अपनी इंग्लिश बोलती है कोई। तो बस जी अभी जैसे तैयार होते हैं हम आप तो बस निकलते हैं, हम तो तकरीबन तैयार हो चुके हुए हैं, मैं तो बस दसी दसी पहना बस चलने लग गया। और बात जी और दूसरा ये कि कमेंट में लिख दिया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं बुरी लग रही हैं, कोई कमेंट में कोई कुछ ना कुछ लिख दिया करें जी। चुप मतलब चुप बैठ के देखने का मज़ा नहीं आता जब तक आपके साथ इंट्रैक्शन नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, कैसे मज़ा आएगा। आप भी कोई सजेशन वगैरह दिया करें कि भाई ये कर लो वो कर लो ये कर लो, समझ रहे ना, जब व्यूवर्स के साथ इंट्रैक्शन ही ना होगी तब तक मज़ा नहीं आता। ओहो माशाल्लाह से बड़े थोड़े सो तो भाई ये भाई सब चेक करो, ये चेक करो, इसको पता नहीं क्यों शर्ट उतारने की पड़ी इसको शर्ट उतार टाइट हो रही थी ना तो इस वजह से उसको उलझन हो रही है कि भैया क्या पहना दिया मुझे। तो बस जी मिलते हैं अब आपको बीच में पहुंच कर, ठीक है जी। जी एक गाड़ी वो हमारी जा रही है और एक अभी हम इस गाड़ी पे बैठ गए हैं, बच्चे रेडी हो चुके हुए हैं, अम्मी पीछे बैठी हुई हैं, बच्चे ये देखो ये चक्कर था ये भी एक्साइटेड है। तो बस ये भी चलते हैं बीच में और बीच पे आपको जाके मिलते हैं, ठीक है जी। A few moments later. ये अभी हम पहुंच गए हैं, माय हेयर्स, पहुंच गए जी शारजा बीच में, ये शारजा बीच जो बाहर वाले साइड पर जाए वहाँ पे जाके आता है, अब वहाँ हमारी सारी रेडी है जी बीच के लिए, ये चक्कर था पूरी रेडी है छोटे भाई रेडी है। तो बस ये अभी जाते हैं, अभी फिलहाल रोड क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि हमें यहाँ से, तो बस यहाँ से रोड क्रॉस वगैरह करते हैं, चीज़ें वगैरह उठाते हैं तो फिर आपको उधर जाके मिलता है, ठीक है जी। चलो चेक करो जरा व्यू, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, ये जो है जी जहाँ पे जनासा वाशरूम शावर वगैरह सारे बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये भी चेक करो, ये चेक करो जरा, काफ़ी क्लीन ये शारजा का ये साइड पर, ये जमान वाले साइड पर जाने का जाने वाला है, और आज तो भाई वैसे ही हवा बहुत तेज़ है। बस ये भी चलते हैं अपना सेटअप लगाते हैं जाके बैठते हैं, टाइम पे तो वैसे भी चेक करो ना क्या लोग सनस्क्रीम लाई जाते ने, सानू सनस्क्रीम की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल चेक करो यार क्या मतलब आज हवा वैसे तेज है, ये चेक करो, हो क्या जबरदस्त बीच है, क्या जबरदस्त बीच है, पानी फुल क्लियर है इस टाइम पे, फुल क्लियर है इस साइड का, ये लिए हम उस साइड में जाके बैठते होते हैं, उस साइड में लास्ट टाइम उस साइड में बैठे थे हम, अब ये चक्कर बच्चों के लिए तो मस्त ही है। अब आप रतील तो बस ये बच्चों के लिए तो यहाँ पर बाकी पानी आपको चेक करा तो फिलहाल पानी चादर पानी जो है आज ठंडा भाई ठंडा बड़ा हैवी किस्म का, लेकिन पानी चेक करो आप क्या क्रिस्टल क्लियर है भाई पानी,
लेकिन क्रिस्टल के इट्स कोल्ड कम इनसाइड। तो बस जी आ जाओ इसको बड़ा शौक है पानी के अंदर आने का, लेकिन पानी है ठंडा, इसने पाव रखना और इसने साथ में चल जाना। ये देखो करती है याद है लास्ट टाइम उठे बैठे थे। बस जी अभी चलते हैं, इन बच्चों को अंदर लेके चलते हैं। ये दादा अब्बू भी रेडी हो गए हैं, माँ देना दी पहले तो रेडी है क्योंकि माँ को स्विमिंग आती है इन्हों की। मैनू स्विमिंग नहीं आती भाई, मुझे स्विमिंग नहीं आती भाई, मुझे ना पानी से बड़ा फोबिया था। ये तो अभी फिर भी जाने लग गया मैं, पहले मुझे पानी से बड़ा ही फोबिया था भाई, बहुत फोबिया था एक्सट्रीम। वो चलना ठंडा बहुत जी भाई, हाँ पानी जबरदस्त ठंडा है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत ठंडा, जबरदस्त ठंडा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। बस जी फैमिली आके बैठी है यहाँ पे सुकून से, खाली रौनक लगी हुई वैसे। अब आप कब हैं उस स्कूल? तो बस जी अभी फिलहाल है यार, तो पानी के अंदर मेरा दिल पानी के अंदर मोबाइल डाल के मेरा कवर कवर ना खराब हो जाए। बस जी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ओके One hour later. लो जी काफ़ी देर नहाने के बाद यार हम आ गए हैं बाहर। आँधी सन बैनिंग पाए ना, बंदा अगर थोड़ा उत्तर पाकिस्तान काला है तो समझो सन बैनिंग करना पड़ेगा। उसे अब जी बैठे ने फुल मोजा करके पहन, उन्होंने कहा अंग्रेज लै रहे तो ऐसा क्यों नहीं लै सकते। तो बस जवाब मारी यहाँ बैठी हुई सारी नीलियां पीलियां दिन लवा। मौसम अच्छा जबरदस्त, अब बाहर निकले तो धूप निकली है तो मज़ा आ गया। पानी बेहतरीन किस्म का ठंडा पानी, अब जरा आप कहेंगे जाए ना सर्दी है तो ठंडा तो होना ही है, तो पता ठीक है, लेकिन यार मज़ेदार पानी है, मज़ेदार पानी, क्या क्लियर पानी है ये, आप दे रहे हो क्या क्लियर पानी है। ये लास्ट टाइम हम आए थे ना तो हम उस साइड पे बैठे थे, उस साइड पे, लेकिन उधर ना उस टाइम पे लास्ट टाइम पे मुझे याद है कि ये काफ़ी ज़्यादा वो गंद था, गंद पड़ा हुआ था, गंद नहीं मतलब होती ना उसी भी टाइप होती है वो बीच में काफ़ी ज़्यादा पड़ी, लेकिन अब ये सारा क्लीन कर दिया उन्होंने। क्यों वही बेगम नु पिछे छड़ के तुसी आके सब बेदिंग कर रहे हो। ये तो पैन खा पी के फिर तो सनबे कर काला रख ला के चल जाता है कि असं इतने बहुत काम किया है। तो बस ये भी बैठते हैं थोड़ा सा मौसम इंजॉय करते हैं, अब हम यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रही है ऐसा ऐसा चेक कर रहा है। जोड़े पैन तुम की कहते हो भाई दिल से थोड़ा अंदरों कह रहा है कि फैमिली नहीं लेके आना चाहिए भाई जी, छड़े छाड़ो कि नहीं ये जगह नहीं है, फैमिली बीच है अच्छा बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मुझे मोस्टली कंसर्न यही होता ना जब भी फैमिलीज वगैरह आती है तो ज़ाहिर है अगर लोंडे लोंडे ज़्यादा हों तो फिर वो अनकम्फर्टेबल फील करती है फैमिली हमेशा। तो
बस ये है कि आज मौसम भी अच्छा था, हवा भी थोड़ी थी, और ये कि फैमिलीज मोस्टली बैठी हुई थी, तो बस इसलिए मज़ा आता है। बस ये अम्मी बस इंजॉय कर रहे हैं आज का दिन, सैटरडे का दिन। यूजली हम संडे वगैरह में या फ्राइडे में जाते हैं, लेकिन आज सैटरडे में अचानक ही मैं मर गया बैठे बैठे, मैं तो नाश्ता करके अभी उठा ही हूँ, तो अम्मी आई, अम्मी कहती जी चलो जी बीच से जाना जी, छोटा छोटा पैन कर रहे हैं। बस जी एक दफ़ा फिर आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ बीच का, बेहतरीन ज़बरदस्त बीच का व्यू। अपनी फैमिली बैठी हुई है, ये पाए ना सी सुखाने पाए ना सुखने पाए ने चेक करो। तो भाई ये भी आपको थोड़ा देर तक मिलते हैं, ठीक है जी। मीनवाइल ए भाई साहब जाने का दिल नहीं कर रहा इनका भाई, और हमने जाना है अभी घर। भाई मेरी लग रही है ठंड, सबको लग रही है ठंड, लेकिन यह है कि मौसम अच्छा जी। बस जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। अगर नहीं गुजरा तो गुजारने की कोशिश करें जी, कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ लिया करें आप भी इधर उधर जाने के लिए, वीकेंड पे वीकडे पे कहीं पे भी जाके। बस जी हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। देखो जी छोटी छोटी खुशियाँ जी, छोटी छोटी खुशियाँ, इन छोटी छोटी खुशियों में हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। बस जी अपने भाई को दुआ में याद रखें, और हमेशा खुश रहे, अपने माँ बाप को दुआ में याद रखें, बहन भाइयों को भी दुआ में याद रखें, और हमेशा खुश रहें जी। बस अपना दिन इसी पॉजिटिविटी के साथ गुजारें, उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा, अगर नहीं गुजरता गुजारने की कोशिश करें। बस आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, रब रखा।